हेलो गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है टू जेड क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आपको पता है, केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव सीरीज हम लोग 12 क्लास का कर रहे हैं सभी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और आज से हम लोग दूसरे लेसन का स्टार्ट कर रहे हैं, बिलियन। आर यू रेडी? सभी कोई कॉपी कलम लेकर तैयार हो जाइए और एक एक क्वेश्चन का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं जो ऑब्जेक्टिव सीरीज करा रहा हूँ वो दूसरे चैनल की भांति नहीं करा रहा हूं। दूसरे चैनल पे आपको जाना न पड़े और यहीं आपको सारा निचोड़ मिल जाए, हर ऑप्शन का निचोड़ मिल जाए, मैं प्रयास कर रहा हूं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि आपके लिए मैं छोड़ूं, तो तैयार हो जाइए। आर यू रेडी? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, केमिस्ट्री का दूसरा लेसन कर रहे हैं और ये दूसरा पार्ट है आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज का। सभी कोई तैयार है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मोललता की इकाई। देखिए पहला क्वेश्चन, मोललता की इकाई। सभी कोई तैयार हो जाए क्योंकि मैं चारों ऑप्शन को निचोड़ने वाला हूं यहां पर, तब ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं कॉन्सेप्ट की बात करता हूं कि मोललता होता क्या है। मोललता भी क्वेश्चन रह सकता है, मोलरता भी रह सकता है, इसलिए आप तैयार रहिए। तो सबसे पहले मैं मोलरता की बात करता हूं और फिर मोललता की बात करता हूं। देखिए, अगर इस टाइटल में आपको जरा सा भी परेशानी होगा, इस चैप्टर में आपको जरा सा भी परेशानी है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर का एनसीईआरटी पैटर्न में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर बारी बारी से सारा वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, आइए मोलरता को देखते हैं और मोललता को देखते हैं। तो सबसे कॉमन बात को याद रखिए दोनों में कि कॉमन क्या होता है। तो दोनों में मोल आता है, तो याद रखिएगा। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो मोलरता में प्रति लीटर होता है और इसमें देखिए 1000 ग्राम की बात होता है, नहीं तो 1 केजी की बात होता है। यही तो की पॉइंट है। और दोनों घुलता है, दोनों घुलता है, तो एक में विलायक आ जाता है और एक में बिलियन रहता है। ये आपको टॉपिक को याद रखना होगा, तभी जाकर आप कर सकते हैं। जैसे प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को प्रति लीटर, देखिए यहां पर प्रति लीटर, प्रति केजी में घुले हुए, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को यहां पर प्रति लीटर, प्रति लीटर, देखिए प्रति लीटर का मतलब ही होता है एक लीटर, आप बातों को समझिए। घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को देखिए, जैसे NB प्रति लीटर, तो VL क्या कहलाएगा भाई? कहलाएगा मोलारिटी, इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब आइए, कहता है कि प्रति केजी, देखिए प्रति केजी, तो यहां पर NB बटा प्रति केजी, तो देखो यहां पर WA प्रति केजी, ठीक, इट्स डिनोटेड बाय स्मॉल M। पहले ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, तभी जाकर ऑब्जेक्टिव को आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे तो आग मुन कर लगा सकते हैं आप। आर यू रेडी? आइए देखते हैं। तो कह रहा है कि यहां क्वेश्चन था आपका मोललता। तो देखिए एनबी, ध्यान दीजिए, एनबी को आप क्या लिखते हैं? मोल। यहां भी एनबी को तो आप लिखेंगे मोल, तो मामला नीचे केजी का आ रहा है तो केजी होगा, अगर मामला लीटर का आ रहा है तो लीटर होगा। क्लियर कॉन्सेप्ट कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि घुले हुए विलय की मोलों की संख्या किसमें? केजी में, तो मोल प्रति केजी। घुले हुए विलय की मोल संख्या किसमें? तो लीटर में, तो मोल प्रति लीटर। आइए अब ऑप्शन की बात करते हैं। पहला ऑप्शन है मोल प्रति लीटर, दूसरा ऑप्शन है मोल प्रति केजी, तीसरा ऑप्शन है केजी प्रति मोल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको डिसमिस करता हूं, इनमें से कोई नहीं नहीं होगा। केजी प्रति मोल मैं यहां से हटाता हूं। उसके बाद देखिए मोल प्रति केजी, तुम ध्यान दीजिएगा मोल प्रति केजी, तो चूंकि मोललता है तो केजी की बात हो रही है, इसलिए इसका सही आंसर होगा बी, मोललता की इकाई है मोल प्रति केजी। क्लियर है? अब आइए कह रहा है कि धुआं है, धुआं, आइए धुआं धुआं की बात करते हैं। और डस्टर, डस्टर, चलिए मैं इसी से काम चला लेता हूं। आइए धुआं की बात करते हैं कि धुआं क्या है भाई। देखिए चीनी और जल, इसमें अगर कोई आपसे कोई पूछता है चीनी और जल के बारे में पूछता है, तो
आप बहुत आसानी से जवाब दे देते हैं कि इसमें विलेय क्या होगा और इसमें विलायक क्या होगा। देखिए मैं बता दूं कि इसमें विलेय चीनी है और विलायक जल है, लेकिन कंफ्यूजन कब क्रिएट होगा, जब जल की मात्रा कम रहेगा और चीनी की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, तो फिर ये आपका रटा हुआ कॉन्सेप्ट समाप्त हो जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट को और प्लस फैक्ट दोनों आपके दिमाग में रहना चाहिए। तो जिसकी मात्रा कम हो उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा हो उसे क्या ज्यादा हो उसे क्या कहते हैं, विलायक कहते हैं। लेकिन फंसा मामला धुआं धुआं धुआं, ठीक है, धुआं धुआं। आप डायलॉग सुने ना कि धुआं गर्दा उड़ा देंगे, तो आप केमिस्ट्री का मैं 16 लेसन का ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, आप 16 लेसन का केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव कर लीजिए। अगर झारखंड बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका 40 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपका 35 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, लिख कर लिख रख लीजिए। आइए चीनी और जल की बात करते हैं। चीनी जल में अक्सर विद्यार्थी इसका आंसर दे देते हैं, लेकिन धुआं, देखिए धुआं, धुआं आपके घर में भी निकल रहा होगा, या अब तो मोदी जी सबको गैस सिलेंडर दे दिए, धुआं से दर्शन नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप बाहर जब निकलते होंगे तो धुआं से दर्शन आपको हो रहा होगा। तो अब यहां पे प्रश्न है कि धुआं है, ऑप्शन पर विचार कीजिए, गैस में ठोस का विलयन। देखिए गैस में ठोस का विलयन, क्लियर है। अच्छा दूसरा कह रहा है कि गैस में द्रव का विलयन, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो जाएगा भाई, क्योंकि धुआं तो द्रव नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि गैस में गैस का विलयन, ठीक है, और फिर कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो चलिए मैं इस ऑप्शन को भी काट दूं, तो दो ऑप्शन यहां से डिसमिस हो गया, तो एक ऑप्शन बचा गैस में ठोस का विलयन। आइए मैं बात करूं कि अगर भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण, मैं एक बार बार फिर से कह रहा हूं कि अगर विलयन चैप्टर में आपको किसी प्रकार का परेशानी है तो फिर आपको वीडियो देखना होगा, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देखना होगा, क्योंकि सारा चीज तो अब मैं फिर से बताऊंगा नहीं, तो ऑब्जेक्टिव है, इसलिए मैं चारों ऑप्शन को एनालिसिस कर दे रहा हूं। देखिए ध्यान से, देखिए ठोस विलयन किसे कहेंगे, जब मामला विलायक ठोस हो जाएगा। गैस विलयन किसे कहेंगे, ये गैसी जब विलायक होगा। द्रव विलयन कब कहेंगे, जब ये द्रव विलायक होगा। तो धुआं तो द्रव नहीं है, क्लियर बात है। बाहर जब आप निकलते हैं वायुमंडल में तो बहुत सारे गैस हैं, जैसे मान लीजिए कि N2 गैस है, ऑक्सीजन गैस है, बहुत सारे गैस हैं वायुमंडल में। तो जो धुआं होता है वो स्पेस छेकता है कि नहीं, स्पेस ऑक्युपाई करता है कि नहीं, पहले इस पर आपको विचार करना होगा। तो बिल्कुल करता है, इसलिए धुआं जो है वो ठोस होता है, ठीक है। धुआं क्या होता है, एक प्रकार का ठोस होता है। तो गैस में, देखिए एकदम गैस में ठोस का विलयन, तब इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, गैस में ठोस का विलयन। तो दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। आइए तीसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता होती है। देखिए अभी मैं आपको बता रहा था, तुम ध्यान देंगे यार, कि मोलरता क्या होता है। देखिए एकदम ध्यान से, एक क्वेश्चन मैं आपको सोल्व करने के लिए देने वाला हूं। देखिए मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर nb, घुले हुए विलेय की मोलों की संख्या, किसमें भाई, तो प्रति लीटर में। अगर मैं यहां पर nb और लीटर को अगर ml में कर दूं तो vml हो जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना होगा, ऊपर में 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो m बराबर nb भी क्या होता है, मोलों की संख्या क्या होता है, पहले ये तो आपको जानना होगा कि मोलों की संख्या क्या होता है। तो मोलों की संख्या बराबर होता है, देखिए अगर b की बात कर रहे हैं तो पदार्थ का भार, मतलब पदार्थ का भार w बटा पदार्थ का अनुभार, एकदम इसको याद रखना है। मोलों की संख्या बराबर होता है, याद रखिएगा, पदार्थ का भार बटे पदार्थ का अनुभार। तो हम यहां nb के जगह सेट कर सकते हैं wb बटा mb, इनटू क्या हो जाएगा, vml हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कितना से कर देंगे, 1000 से। अब आइए बात कर रहा है कि शुद्ध जल की मोलरता क्या होगा। देखिए H2O। अब आपको मैं ये होमवर्क में दे रहा हूं कि आप इसको कैसे हल करेंगे। मैं आंसर दे रहा हूं कि इसका आंसर आएगा 55.5 m। देखिए m भी लिखा हुआ हो सकता है या मोल प्रति लीटर भी लिखा हुआ हो सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं करना है। मोल भी हो सकता है या मोल प्रति लीटर भी हो सकता है। इसका मतलब यहां पर 55.5 आंसर आने वाला है,
मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट कर दे रहा हूं कि H2O का मोलर मास कितना होता है, तो 18 ग्राम होता है। क्लियर है, याद रखिएगा 16 और 2 18, और बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बनाकर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर भेजे, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूंगा, या किसी प्रकार का आपका डाउट होगा तो उस नंबर पर आप क्वेश्चन भेज सकते हैं, आपको 24/7 आंसर उपलब्ध रहेगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता क्या होता है, ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता क्या होता है। देखिए ताप बढ़ाने पर, अब सबसे पहले यहां विलयता की बात करते हैं कि विलयता क्या होता है। देखिए विलयता समझते हैं कि सोलुबिलिटी होता क्या है। देखिए घुलने की क्षमता, नाम तो सुने ही होंगे आप, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता, देखिए अच्छा से कॉन्सेप्ट को समझिए, घुलने की क्षमता, घुलने की क्षमता क्या कहलाता है, विलयता कहलाता है। अब कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर टेम्परेचर को क्या करना है, आपको बढ़ा देना है। ठीक है, कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता, मतलब गैस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, दम ध्यान दीजिएगा, अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो सबसे पहले गैस की बात कर लेते हैं कि गैस में क्या होता है। ठोस में तो हम लोग जानते हैं कि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस प्रकार से होता है, दम नजदीक होता है, लिक्विड में थोड़ा दूर दूर होता है, और जबकि गैस में काफी दूर दूर होता है। ये देखिए सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया, ये गैस हो गया, तब ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। फिर कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर गैसों की विलयता, देखिए ताप को बढ़ा दीजिए, यहां टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो ये पूरा और फैल जाएगा, टेम्परेचर बढ़ा दीजिएगा तो पार्टिकल्स क्या होगा और फैल जाएगा। तो कह रहा है कि विलयता क्या होगा, तो जो घुलने की क्षमता था अब उसका और क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा घट जाती है। आइए पांचवा क्वेश्चन पर विचार करते हैं, प्रति लीटर विलायक में मोलों की संख्या क्या होता है। प्रति लीटर विलायक में, तुम ध्यान दीजिएगा, प्रति लीटर विलायक में मोलों की संख्या क्या होता है। अभी मैं आपको तुरंत बताया था मोलरता, केजी रहता तो मोललता हो जाता। पीपीएम का पूरा नाम, देखिए पीपीएम जब कंसंट्रेशन पढ़ रहे थे हम लोग, इकाइयों को व्यक्त कर रहे थे बिलियन का, तो उसमें लास्ट आया था हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, देखिए इंग्लिश में पार्ट्स पर मिलियन और हिंदी में भाग प्रति मिलियन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग प्रति मिलियन। कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट के 20% जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं। चलिए मैं ऑप्शन लिख दे रहा हूं, इसमें ऑप्शन पहला है विलायक का भार, विलायक का भार 80 ग्राम, उसके बाद ऑप्शन बी कह रहा है विलायक का भार 20 ग्राम, ऑप्शन सी है विलायक का भार 20 ग्राम, और ऑप्शन डी है ए और सी। देखिए चारों ऑप्शन पर विचार कर लीजिए, अगर आपने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ा होगा या दैनिक जीवन में परसेंटेज से आपका पाला कभी पढ़ा होगा लाइफ में, पाला तो अभी मैट्रिक में पढ़ा ही होगा, आपका जितना परसेंटेज आया था, जैसे मान लीजिए कि मैथ में आप 60 नंबर लाए हैं, 60 नंबर लाए थे तो कितना प्रतिशत आपने लाया, तो 60% नंबर लाया। तो अगर बोला जाएगा आपसे, कह रहा है कि विलायक का भार, देखिए क्वेश्चन देखिए ध्यान से समझिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि सोडियम कार्बोनेट 20%, देखिए 20% जलीय विलयन से आप क्या समझते हैं, 20%, इसका मतलब कि 20% और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100 होता है, आपको ध्यान से समझना है। तो यहां विलायक का भार तो 20 ग्राम ही सही दिख रहा है, क्लियर है, मतलब कि 20 ग्राम कितना में घुला हुआ है भाई, तो 100 में घुला हुआ है, तो 100 में से आप घटा दीजिएगा 20, तो ये हो जाएगा कितना, 80 हो जाएगा। तो जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे विलायक कहेंगे। तो आइए कह रहा है कि विलायक का भार 80 ग्राम, इसका मतलब कि ये भी ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है कि विलायक का भार 20 ग्राम, ये तो गलत हो गया, तो दो ऑप्शन सही है, इसका मतलब इस क्वेश्चन का जवाब डी होगा, ए और सी दोनों जवाब इसका सही है। अब आइए इस स्लाइड में बात करते हैं, और इस स्लाइड को मैं रफ करता हूं ताकि मैं यहां पर अच्छा से आपको समझा सकूं।
चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि राउल्ट का नियम संबंधित है वाष्प दाब से, पराश्रम दाब से, पृष्ठ तनाव से, देखिए पृष्ठ तनाव से सरफेस टेंशन, वर्षा के जो बूंदे होते हैं गोल हो जाती हैं, किसके कारण होती है भाई, तो पृष्ठ तनाव। तो यहां तो कोई मतलब है नहीं पृष्ठ तनाव से, हिमांक जम जाता है, यहां भी ऑप्शन नहीं है, पराश्रम जो अगले सेक्शन में। अच्छा मैं टाइप वाइज पढ़ा रहा था, तो पहला टाइप जो है अभी चल रहा था बिलियनों के प्रकार एवं इनकी सांद्रता, अब दूसरा टाइटल हमारा आ रहा है बिलियता एवं द्रवी बिलियनों का वाष्प दाब। वाष्प दाब से संबंधित जो है आपको इतना क्वेश्चन आपके सामने है, और लास्ट टाइटल हमारा आएगा द्रवी बिलियनों का अनुसंख्यक गुणधर्म, बिलियनों के अनुसंख्यक गुणधर्म से रिलेटेड प्रश्न होंगे। आइए बात करते हैं, करा कि राउल्ट का नियम संबंधित किससे है, तो भाई चुपचाप आप आंख मूंद कर इसको टिक कर देंगे, वाष्प दाब से। क्लियर है, वाष्प दाब आपको पता है, वाष्प द्वारा जो द्रव के सतह पर काम करे, वाष्प द्वारा देखिए गैस गैस निकला, अब इसके सरफेस पर जो दाब आरोपित करता है उसी को क्या कहते हैं, वाष्प दाब। पूरा बिलियन को लाइन से पढ़ाया गया है चैनल पर, प्लेलिस्ट में आप उसको देखें, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि धनात्मक विचलन प्रदर्शित करेंगे, अब धनात्मक विचलन का कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए आदर्श बिलियन में दो प्रकार के बिलियन हम लोग देखे थे, ठीक है, देखिए आदर्श बिलियन और अनादर्श बिलियन। अच्छा यहां इसको मैं अनादर्श बिलियन बना देता हूं, अनादर्श बिलियन, और एक था आदर्श बिलियन। तो देखिए आदर्श बिलियन एक अनादर्श बिलियन, आदर्श बिलियन जो राउल्ट के नियम को फॉलो करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, और जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे अनादर्श बिलियन, उसे क्या कहेंगे, अनादर्श बिलियन कहेंगे। अनादर्श बिलियन भी दो प्रकार से प्रदर्शित होता है, एक धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। देखिए पहला धनात्मक विचलन प्रदर्शित करता है और दूसरा ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करता है। क्लियर है कॉन्सेप्ट। आइए अब थोड़ा सा धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन पर थोड़ा सा मैं बहस कर लेना चाहता हूं, कि अगर धनात्मक विचलन जो प्रदर्शित करना था अनुनय क्रिया होता है, अनुनय क्रिया, तो जैसे ए और ए अनुनय क्रिया कर लिया और बी अनुनय क्रिया, तो यहां ए बी, देखिए ए बी और यहां पर देखिए फिर ए बी, ऐसे बना लेता है कंपोनेंट। अब यहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको ये लगाना होगा, इसका डिटेल्स बिलियन चैप्टर में पढ़ाया गया आप देखेंगे, तो यहां मैं शॉर्ट में थोड़ा आपको समझा दूं कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, याद रखिएगा जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, क्या रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, उसका रिस्ट्रिक्शन जो है उसका डिसिप्लिन बहुत ज्यादा रहता है, वो फड़फड़ा नहीं पाएगा। जैसे कि आप कोचिंग में अगर हैं, मान लीजिए अगर आप कोचिंग में हैं, ठीक है, अगर आप कोचिंग में हैं तो कोचिंग का डिसिप्लिन कुछ और होता है, और आप जब घर चले जाते हैं तो उसका डिसिप्लिन कुछ और होता है। आप ये समझ लीजिए, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोचिंग में बंधे हुए रहते हैं पूरी तरीका से, लेकिन आप घर जाते हुए आजाद हो जाते हैं घर जाने के बाद। तो इसका मतलब कि यहां पर अनुनय क्रिया ज्यादा होगा कब, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, और अनुनय क्रिया जब कम होगा, अनुनय क्रिया जब कम होगा उस स्थिति में उस बिलियन का वाष्प दाब ज्यादा होगा। लिख लीजिए, अनुनय क्रिया जब कम होगा तो वाष्प दाब ज्यादा होगा, अनुनय क्रिया जब ज्यादा होगा तो वाष्प दाब कम होगा, यह भी प्रश्न आ सकते हैं। तो यहां पर देखिए, जैसे अगर H2O की बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, और अगर CH3OH की बात करें, मेथेनॉल की और जल की बात करें, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन कम है, लेकिन जब ये आपस में मिलते हैं तो H2O और यहां पर CH3OH और फिर यहां पर H2O आ जाएगा और फिर यहां पर आ जाएगा CH3OH। अब देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच हाइड्रोजन H2O और H2O के बीच आ गया CH3OH, तो पहले जैसा तो यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना, इसका मतलब यह हुआ कि अनुनय क्रिया यहां पर कम हुआ, तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा, इसका ज्यादा हो जाएगा, और वाष्प दाब जिसका ज्यादा होगा वही प्रदर्शित करता है धनात्मक विचलन। तो आइए बात करते हैं जल तथा नाइट्रिक एसिड, तो ये तो होगा नहीं,
एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म, ये अगला एग्जाम्पल है ऋणात्मक वाला, याद रखिएगा। और जल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये दोनों नहीं होगा, तो इसका सही जवाब होगा जल तथा मेथनॉल। अब अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि आदर्श विलयन नहीं है, आदर्श विलयन नहीं है, तो याद रखिए कह रहा है कि इसमें आदर्श विलयन नहीं है, आदर्श विलयन नहीं है, तो हेप्टेन हेक्सेन है, ठीक है। उसके बाद आइए बात करते हैं कि बेंजीन और टॉल्यूइन भी है और क्लोरो बेंजीन और ब्रोमो बेंजीन भी है, तो एक ही ऑप्शन है यहां पर, बेंजीन प्लस मेथेनॉल। इसका मतलब कि C6 और OH6 प्लस CH3OH, ये आपका आदर्श विलयन नहीं है, ये रॉल्ड के नियम का पालन नहीं करता है। ये जो मिश्रण तैयार होता है C6H6 और CH3OH, ये रॉल्ड्स के नियम का पालन नहीं करता है, क्लियर है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि हेनरी का नियम, हेनरी का नियम वगैरह सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको याद करके जाना है एग्जाम में, समझ में बात आ रही है। मैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में कौन कौन प्रश्न पूछे जाएंगे लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, क्लियर है। एक मैं वीडियो बनाऊंगा 1 घंटा का, जिसमें सभी चैप्टर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन का मैं एनालिसिस कर दूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हेनरी का नियम देखिए क्या होता है, तो हेनरी का नियम क्या होता है, आंशिक वाष्प दाब उस विलयन के मोल अंश के क्या होता है, समानुपाती होता है। देखिए आपको थ्योरी याद रखना चाहिए, पी देखिए पी प्रोपोर्शनल एक्स होता है और हेनरी कांस्टेंट होता है के एच एक्स, ऐसे याद रखेंगे आप, तो पी बराबर के एच एक्स, के एच कांस्टेंट होता है, जिसे हम लोग हेनरी नियतांक कहते हैं, क्या कहेंगे, हेनरी नियतांक। तो ये ऑप्शन देखेंगे तो पी बराबर के एच एक्स, पी बराबर के बी, ए देखिए उनियन वाला है मामला, कोथनांक का उनियन यहां पर है, ये देखिए हिमांक का अवनमन है, और ये तो ऑप्शन से बाहर है बिल्कुल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, पी बराबर के एच एक्स। तो आप समझ गए 11 क्वेश्चन, अगले स्लाइड में 9 क्वेश्चन है, टोटल 20 क्वेश्चन आपके रहेंगे इस लेसन से। और आपको किसी प्रकार का डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि पहले आप प्ले लिस्ट में जाकर विलयन को पूरे देखें, आप पूरे चैप्टर को देखें और उसके बाद इसको देखें। उसके बावजूद भी आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखिए। अब अगले स्लाइड में आप 9 क्वेश्चन को देखेंगे, कंटिन्यू। आइए अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी तक आप 11 प्रश्नों का एनालिसिस देखे थे, अब देखेंगे 12 प्रश्न। देखिए 12वां प्रश्न कह रहा है कि अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं, देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं। देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है, निकल जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से नहीं निकल पाते हैं। देखिए दो टाइप से यहां पे प्रश्न पूछा जाएगा, तो आइए थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं। SPM सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं अर्धपारगम्य झिल्ली, तो देखिए एक स्लाइट होता है बीच में, तो अगर आपसे ये पूछता क्वेश्चन कि अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल नहीं पाते हैं, मतलब आर पार नहीं होते हैं, आर पार नहीं होते हैं, तो आर पार नहीं होते हैं विलायक अणु, विलायक अणु तो आर पार हो जाते हैं, यही क्वेश्चन में ट्विस्ट दिया था यहां पर कि अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल जाते हैं, तो निकल जाते हैं विलायक के अणु, लेकिन निकल नहीं पाते हैं, मतलब कि आर पार कौन नहीं हो पाते हैं, तो आर पार विलायक के अणु नहीं हो पाते हैं। तो चलिए सबसे पहले डी ऑप्शन को काट दीजिए, ठीक है, उसके बाद हमने सी ऑप्शन तो यहां पर लिखा ही नहीं, ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं है, ये सी ऑप्शन हो गया और डी ऑप्शन मान लीजिए कि नॉट था यहां पर, तो नॉट को हटा दीजिए, ई को हटा दीजिए। अब विलायक के अणु तो आर पार होते नहीं है, लेकिन विलायक के अणु जो है आर पार हो जाते हैं, इसलिए इसका सही जवाब होगा बी, क्लियर है। आइए कह रहा है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो मैं आपको विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म के बारे में आपको बताया था, तो विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म आप याद ही कर लीजिए, प्रासरण दाब होता है, ठीक है, कोथनांक का उनियन होता है, हिमांक का अवनमन होता है, ये आप तीन याद रख लीजिए। जैसे देखिए यहाँ हिमांक का अवनमन तो ये है, प्रासरण दाब तो ये भी है, उसके बाद कोथनांक का उनियन तो ये भी है। अब कह रहा है कि मोलल उनियन स्थिरांक, जिसको के बी हम लोग बोलते हैं, ये आपका प्रासरण दाब, ये आपका विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। लेकिन और भी अगर क्वेश्चन यहां पर पृष्ठ तनाव, देखिए एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, तो यहां पर पृष्ठ तनाव दे दिया, तो पृष्ठ तनाव भी विलयन के अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। आर यू रेडी? आइए 14 क्वेश्चन देखते हैं
करें कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार, देखिए पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए मतलब मेजरमेंट करने के लिए सबसे उत्तम विधि का आपको नाम बताना है। तो कह रहा है कि हिमांक का अवनमन मापन, कौथनांक का उन्नयन मापन, परासरण दाब मापन या वाष्प घनत्व मापन। तो इसका सही जवाब होगा परासरण दाब मापन। परासरण दाब मापन आप याद रखेंगे उच्च अनुभार पदार्थ के लिए, मतलब कि जिसका जो है काफी ज्यादा अनुभार होता है तो उसको आप मेजरमेंट करने के लिए परासरण दाब मापन का प्रयोग करते हैं। परासरण दाब का वीडियो आपको पूरी तरीका से देखना होगा, प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए तो आपको पूरी तरीका से क्लियर हो जाएगा। करा कि वे दो बिलियन जिसका परासरण दाब समान होता है, दम ध्यान से समझिएगा, परासरण दाब जिसका समान होगा तो इसका सही आंसर तो आइसोटोनिक हो जाएगा, लेकिन आप तीनों याद रखिएगा। तो पहला अगर समान होता है तो ये आइसोटोनिक में चला जाएगा। देखिए अगर दो बिलियन जिसका परासरण दाब उच्च होता है, क्या होता है उच्च होता है किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, तो ये चला जाएगा हाइपरटोनिक में। देखिए हाइपरटोनिक बिलियन में। और अगर ये ऐसे प्रश्न आए कि अगर मतलब दो बिलियन जिसका परासरण दाब कम होता है, दम याद रखिएगा जिसका कम होता है किसके सापेक्ष, दूसरे के सापेक्ष, तो ऐसे बिलियन को कहा जाता है हाइपोटोनिक बिलियन। क्लियर है? अच्छा तो आप याद रखेंगे कि समान रहेगा तो आइसोटोनिक, उच्च रहेगा तो हाइपरटोनिक और कम रहेगा तो हाइपोटोनिक। तो नन ऑफ दिस तक खत्म, हाइपोटोनिक खत्म और हाइपरटोनिक भी खत्म, तो इसका सही आंसर होगा आइसोटोनिक। क्लियर है? ये कह रहा है कि बिलियन स्थिरांक आर का मान होता है, तो ये तो आपको वैल्यू याद रखना है, ये 0.0821 लीटर एटीएम प्रति केल्विन प्रति मोल। देखिए इनवर्स भी लगा सकता है, ये आपका प्रति को हटाकर ऑप्शन में इनवर्स लग सकता है। क्लियर है? चलिए उसके बाद कह रहा है किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जो वायुमंडलीय दाब के बराबर, वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा या इनमें से कौन है, ये एटीएम शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो आपका क्वथनांक जो होता है वो बॉइलिंग पॉइंट जिसको आप बोलते हैं शॉर्ट में, बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, आप याद रखेंगे। कह रहा है कि वह दाब जो परासरण के क्रिया को रोक दे, देखिए वह दाब जो परासरण के क्रिया को रोक दे, ऑस्मोसिस जो प्रोसेस है ठीक है उसको रोक दे तो क्या कहलाएगा, तो एक्सटर्नल प्रेशर होता है। देखिए बाह्य दाब, देखिए ऑप्शन कंफ्यूज कर रहा है, बाह्य दाब, आंतरिक दाब और परासरण दाब, ये दो ठो ऑप्शन तक खत्म हो गया, ये दो ऑप्शन बाह्य दाब और परासरण दाब, तो उसी बाह्य दाब को बोलते हैं परासरण दाब, जिसे पाई से सूचित किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। आइए 19 क्वेश्चन देखिए, परासरण दाब, अभी तुरंत आपको बताया कि वह बाह्य दाब जो परासरण के क्रिया को रोक दे क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाएगा, जिसे क्या चीज से सूचित किया जाता है, पाई से। अब अदर ऑप्शन भी देख लीजिए, के बी तो आपका क्वथनांक का उन्नयन स्थिरांक हो गया, के एफ तो ए हिमांक का अवनमन, जब आप पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे ए स्थिरांक हो गया, हिमांक का अवनमन स्थिरांक। उसके बाद के एच जो है वो हेनरी नियतांक है। क्लियर है? तो आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब देखिए 20 क्वेश्चन कर रहा है, 20 नंबर, एक से अधिक वांट हॉफ कारक का मान बताता है कि बिलियन में विलय होता है। देखिए बिलियन में विलय होता है वियोजन, ठीक है, वियोजन मीन्स दूर हटना, संगुणन मतलब संयोजन भी आप लिख सकते हैं, यहां पर ऑप्शन में संयोजन भी दे सकता है या आप घटन या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा संगुणन। तो ये रहा 20 क्वेश्चन जो चैप्टर 2 का था, सॉल्यूशन का था केमिस्ट्री में। अब अगले चैप्टर हम लोग वैद्युत रसायन की चर्चा करने वाले हैं। वैद्युत रसायन से पहले दो वीडियो कंप्लीट हो गया आपका, और आप कॉपी कलम लिखिए, कॉपी में लिखिए और उसको अभ्यास कीजिए, बोर्ड में आपको कतई दिक्कत नहीं होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए होंगे मुझे पूरा विश्वास है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वैसे विद्यार्थियों के पास अपने सर्किल में आप सेंड कीजिए जो उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में परेशानी हो रही है या वो नहीं कर पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट की उनको जानकारी नहीं है, वो अपना समय दूसरे चैनल पर बर्बाद कर रहे हैं, तो आप उन्हें एक लिंक शेयर कीजिए। और यदि किसी प्रकार को वीडियो में आपको त्रुटि लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में आप बताएं हमें, और यदि आपको इस चैप्टर का बना बनाया आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ, आप उस मोबाइल नंबर पर व्हाट्सअप करें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।